हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम अपने मिक्सर मशीन के जो कार्बन होते हैं उसमें जो कार्बन लगे होते हैं दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये कार्बन, तो इसको हम कैसे पहचानें कि ये हमारा कार्बन सही है या फिर नहीं सही है, और ये जो हमारी बाइंडिंग की गई होती है इसमें, और इसको कैसे पहचानें हम लोग कि ये बाइंडिंग सही है या नहीं है। तो हम इसमें कैसे ये पता लगाएं कि हमारा कार्बन सही है या ख़राब है, या फिर हमारी जो बाइंडिंग है ये सही है या फिर ख़राब है, तो इसी चीज़ को मैं आप दोस्तों को आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ, आप पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा कार्बन ख़राब है या फिर हमारी ये बाइंडिंग ख़राब है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए एक कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है इस साइड, और ये दोनों कार्बन दोस्तों यहाँ पे लगे होते हैं। ये जो हमारा आर्मेचर है यहाँ पे, देखिए जो आर्मेचर ये घूम रहा है, ये आर्मेचर पे लगे होते हैं जिससे कि सप्लाई इसको मिलती है और ये चलती है हमारी मशीन। तो अब दोस्तों ये जो यहाँ पे लगे हुए कार्बन दो, तो इनको कैसे पता करना दोस्तों, इसको पता करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर सीरीज लैंप का यूज, जो कि बहुत ही बेटर तरीका है। अगर आप इसे चेक कर लेंगे तो आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमारा कार्बन ख़राब है या फिर सही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस कार्बन को चेक करते हैं कि हाँ ये कार्बन सही है या फिर नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए पहले इस पर हम थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो चेक करने में। चलिए तो यहाँ पर हम इसको रख दिया और ये खड़ा हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको चेक करते हैं सबसे पहले कार्बन को कि कार्बन सही है या फिर ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास एक सीरीज बोर्ड है, तो इसी सीरीज बोर्ड से हम लोग चेक करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको तार को इस सीरीज वाले सॉकेट में लगाते हैं, तो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पे दोस्तों बता दूँ आपको कि यहाँ पे देखिए नीचे ये जो कार्बन है, ये कार्बन और एक ये जो कार्बन है, इसके अंदर जो कार्बन लगा हुआ है, तो ये दोनों कार्बन इस पे सटे हुए होते हैं आर्मेचर के, इस जो ये आर्मेचर है इस पे सटे हुए होते हैं, जिससे कि ये दोनों शार्ट हो जाते हैं, मतलब ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं, और ये जब जैसे ही चलता है तो यहाँ से ये इसको सपोर्ट करते हैं जिससे कि ये हमारा आर्मेचर घूमता है। तो दोस्तों अब जब अगर ये सटे हुए नहीं रहेंगे, बीच से कार्बन टूट जाएगा, तो फिर इसमें जब हम सीरीज का जो ये तार रखेंगे दोस्तों, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। और अगर ये सटा हुआ रहेगा कार्बन, दोनों कार्बन इस पे सटे हुए रहेंगे आर्मेचर पे, तो दोस्तों क्या होगा कि ये ऑन हो जाएगा बल्ब। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए एक ये कार्बन का है होल्डर और एक कार्बन का होल्डर ये है, तो दोनों पे हम लोग रखेंगे, जहाँ पर ये तार सटा हुआ है वहाँ पर रखेंगे। देखिए दोस्तों पहले एक यहाँ पर रखते हैं और एक यहाँ पर। अगर ये जलता है बल्ब, तो दोस्तों सीरीज का बल्ब जलता है अगर, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कार्बन सही है, अगर नहीं जलेगा तो इसका मतलब ये हमारा कार्बन ख़राब है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये बल्ब दोस्तों नहीं जल रहा है। रखने के बाद देखिए दोनों पॉइंट यहाँ पर रखें, देखिए ऐसे तो बल्ब जल रहा है, बट इन दोनों कार्बन पे रखने के बाद दोस्तों ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये हमारा कार्बन जो है ये सही नहीं है, अंदर से कहीं से मिस है, टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये सर्किट नहीं बन पा रही है और ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये बल्ब जलेगा तो इसका मतलब कार्बन सही है, और अगर बल्ब नहीं जलता है तो कार्बन ख़राब है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कार्बन, अब हमें चेक करना है बाइंडिंग कि बाइंडिंग सही है या ख़राब है। तो दोस्तों अब हम लोग चेक करेंगे बाइंडिंग। तो ये जो बाइंडिंग दोस्तों देखिए, एक इधर एक कॉइल है और दूसरा कॉइल देखिए दोस्तों इधर है, तो एक कॉइल ये हो गया, एक कॉइल ये हो गया। तो इस कॉइल में से दोस्तों देखिए दो वायर निकले होंगे, एक ये है और एक ये है, एक आर्मेचर में चला गया और एक के लिए ये न्यूट्रल पे चला जाएगा। तो हमें इस बाइंडिंग को चेक करने के लिए इन दोनों तारों पे रखना है। अगर ये सीरीज का बल्ब जलता है तो इसका मतलब है कि ये वाली बाइंडिंग जो हमारी ये कॉइल है, ये कॉइल सही है। देखते हैं पहले ये वाले कॉइल चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तार ये इस बाइंडिंग की इस कॉइल का है और एक तार ये है, तो एक इस तार पर रखेंगे और एक इस वाले तार पर रखेंगे, तो देखिए जल रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा कॉइल सही है। अब दूसरे कॉइल को टेस्ट कर लेते हैं जिसमें से चार तार निकले हुए हैं। तो इसमें देखिए ये स्पीड कॉइल है, मतलब कि ये हाई लो मीडियम स्पीड के लिए, तीन तार यहाँ निकले हुए हैं और एक आर्मेचर पे चला गया। तो आपको बारी बारी से इसको भी चेक कर लेना। देखिए कैसे चेक करेंगे, एक आर्मेचर पे रख देंगे दोस्तों, एक ये जो तार है सीरीज का, इसको आर्मेचर वाले तार पे रख देंगे और इस कॉइल के, और देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पे देखिए आर्मेचर वाला
जो तार है ये इसी फील्ड से निकला हुआ है, तो इस पे एक तार रखेंगे सीरीज का और दूसरे तार से हम इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। अगर हमारे सीरीज का बल्ब तीनों तारों पे बारी बारी से जलता है तो इसका मतलब ये वाली फील्ड भी सही है, और अगर नहीं जलता है इसका मतलब ये फील्ड ख़राब है। चलिए चेक करते हैं। तो एक इस पे रख दिए और एक इस पे, देखिए जल रहा है, और फिर उसके बाद इस पे रखने के बाद जल रहा है, इस वाले को चेक कर लेंगे तो इस पे भी जल रहा है दोस्तों। अब फिर तीसरे वाले पे चेक कर लेंगे तो ये इस पे भी चल रहा है, मतलब कि ये जो हमारी स्पीड क्वाइल है, हाई लो मीडियम वाला क्वाइल है दोस्तों, ये भी सही है, मतलब दोनों क्वाइल हमारे सही हैं। इस हमारे जो ये हमारे पास जो दोस्तों ये मिक्सर है, इसमें फॉल्ट सिर्फ यही है दोस्तों, ये चल नहीं रहा था, तो इसकी स्विच भी हमने चेक किया, देखिए ये जो OLP स्विच है ये भी सही है, और हमने तार को भी चेक कर लिया तो भी सही था। ये अब हमने दोस्तों यहाँ पे ये जो इसका वाइंडिंग है, मतलब जो इसका क्वाइल है, क्वाइल भी सही है, सिर्फ ये जो हमारे पास इसमें लगा हुआ है जो कार्बन, ये कार्बन दोस्तों ख़राब है, क्योंकि इस पर सीरीज लैंप नहीं जल रहा है, तो हम इस कार्बन को चेंज करेंगे और ये हमारी जो मशीन है ये चलने लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपने मिक्सर मशीन को चेक करते हैं, फॉल्ट को फाइंड करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना।